हाय एवरीवन, ये दोनों तो बहुत ही खुश होते हैं कि हमने लिन को ठिकाने लगा दिया। बस अब उसकी मॉम ही बची हैं, इनका भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। इन्होंने बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग भी अरेंज करने का फैसला किया था, जिसमें नैटी अब फिर प्रेसिडेंट की सीट संभालने वाला था। सो अगले ही लम्हे हमें ऑफिस में मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। अब लिन को आते देख के इनके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई थी कि ये कैसे हो सकता है कि ये मरी ही नहीं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अंकल नाम ने आके लिन की जान बचा ली थी और उस पर्सन का भी इन्होंने डी एन डी कर दिया। लिन पुलिस को साथ ही लेके आई थी, वो उस पर अटैक करवाने के जुर्म में नैट साहब अपनी सजा भुगतने जेल जाने वाले थे। लिन को अब सिवाय मॉम के लॉयर असिस्टेंट किट के और किसी पे भी ट्रस्ट नहीं रहा था। लिन पे अटैक होने की खबर न्यूज़ में भी आ चुकी थी। ये देख के पाई तो बहुत ही परेशान हो जाता है, वो फौरन से फिर उससे मिलने के लिए शहर ही जाने लगा था। आंटी भी अभी भी लिन के आगे भोली सी बन जाती हैं कि मुझे नैट ने कल किडनैप करवा लिया था, सो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकी और हाई जबरदस्ती ही मुझे यहाँ पे मीटिंग में भी लाया। खैर, अब चाहे वो जो बातें बना लेती, अब लिन को उन पर ट्रस्ट रहा ही नहीं था। भाई आगे से पॉप को लिन से मिलते देख के अपसेट होके जाने ही लगा था कि वो उसे रोक के फिर यहाँ पे हग कर लेती है। कम से कम इन दोनों में तो कोई नाराजगी नहीं रही थी। मॉम से मिलने भी अभी हॉस्पिटल आ चुकी होती है कि अभी भी उसके हाथ में ही थी। मीन आंटी वी को वो मिली ही नहीं। अभी लिन को एहसास हुआ था कि मॉम ने आज तक उसे ही आसाइशें फ्राहम करने के लिए ही इतना सारा हार्ड वर्क किया और वो बस उनके लिए कुछ भी ना कर सकी। वो बस एक नालायक की बेटी रह गई। भाई फिर उसे इमोशनल होता देख के तसल्ली ही देने लगता है कि डोंट वरी, फिर सभी ठीक हो जाएगा। डैड भी हॉस्पिटल आ चुके थे। अब ये फिर उनसे पूछ ही लेती है कि आप मेरे रिलेटिव्स तो हैं नहीं, सो इतनी हेल्प किस लिए कर रहे हैं। अब फिलहाल तो वो उससे यही कहते हैं कि बस अभी मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता हूँ। एक तुम्हारी मॉम जब होश में आ जाएंगी ना, तभी मैं सारी डिटेल्स वगैरह तुम्हें बता दूंगा और तुम जान जाओगी कि आखिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। ये भी कह देती है कि ठीक है। अब फिर लिन के साथ वो तो एक रेस्टोरेंट ही आ चुका था, तभी ऊपर से पॉब आ जाता है। उसके पीछे पीछे केट मैडम भी लिन को देखने आई थी। खैर जो भी था, पॉब को पाए और लिन की जब से फेक मैरिज का पता चला था तो उसने लिन के दिल में फिर से जगह बनाने का डिसाइड कर लिया था कि अब की बार वो मुझसे बिल्कुल भी निराश नहीं होगी। ये बात तो केट को जब वो करता है तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लिन को नैट की बेल होने का पता चल चुका था, सो वो परेशान होके पाइक को बताती है और उसके बाद नैट के आने से पहले ही घर पहुंच चुकी थी। उसका बोरिया बिस्तर उठा के बाहर ही रखवा देती है कि मुझे मालूम है कि मॉम की और तुम्हारी बस नाम की ही शादी हुई है। तुम लोगों ने तो मैरिज रजिस्टर ही नहीं करवाई, सो तुम्हारा अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। तुम चले ही जाओ तो बेहतर होगा। इससे पहले कि वो उसे बदतमीजी करता, पाए थानों से प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो साहब अपना बैग उठाते वहां से चलते बनते हैं। रात को पाए यहीं पे रुक गया था कि कहीं नैट लिन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। और फिर बाद में चुपके से उसके बिस्तर में भी गुस्सा आता है कि मुझे बाहर नहीं बल्कि यहाँ पे सोना है। नैट के लिए अपार्टमेंट का बंदोबस्त आंटी वी ने कर दिया था, अब बस आगे क्या करना है उसी के बारे में ही सोचने लगती है। दूसरी तरफ डैड को एक बाइकर तो हिट करता वहां से भाग गया था। अब उनके एक्सीडेंट का जैसे ही पाई को बताया जाता है, वो फिर इससे मिलके अब गांव ही जाने वाला था। जाहिर सी बात है, डैड को लेके वो फिक्र में था। अब फिर वो हॉस्पिटल पहुंच आया होता है तो शुक्र है डैड को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। अभी तक उन्हें ये भी नहीं मालूम हुआ कि वो बंदा आखिर था तो था कौन। जब से लिन के झूठ का थोंग को पता चला था, उसने तब को भी वार्न कर ही दिया होता है कि तुमने भी मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं करनी, तो वो भी कहता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वी ही अब फिर अंकल पाव वाला प्रोजेक्ट लिन के पास लेके पहुंची होती है कि ये तुम्हारी मॉम ने साइन कर दिया था, सो तुमने ही इसे आगे कंटिन्यू करना है। तुम्हारे पास पूरे 3 साल का टाइम है, अगर ये कंप्लीट ना किया तो फिर तुम्हारी जगह पे किसी और को ही सीट मिलेगी और इसे बीच में छोड़ने पे कंपनी को बहुत ही नुकसान हो जाएगा। ये तो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, इसे अगर मैंने कंटिन्यू किया तो गांव वालों ने मुझसे और ज्यादा हेट करना है। आखिर को इस प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेजेस के बारे में वो अच्छे से जानती थी। इसे मुश्किल में डाल के आंटी साहिबा तो नेट के साथ चेयर्स करती हैं कि अब मजा आएगा। लिन मैडम कैसे इस प्रोजेक्ट को हैंडल करती हैं? पहले तो वो अंकल नाम को हॉल करके एक काम उनके जिम्मे लगाती है। गाँव वाले यहाँ पे फिर न्यू इन्वेस्टर को देखने के लिए क्यूरियस है कि आखिर वो है तो है कौन। जैसे ही लिन को देखते हैं तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। स्पेशली पाई हैरान के सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू क्यों कर रही है।
मॉम को किसी और हॉस्पिटल में ही शिफ्ट किया जा रहा था। इस बात का जब आंटी को पता चलता है तो वो और नेट उन्हें फिर फॉलो ही करने लगे थे कि आखिर उसे लेके कौन जा रहा है। पर थप ने आगे इसका ये प्लान फेल कर दिया था। यह गुस्सा हो जाता है, पाइलिन से बात करना चाहता था। लियाओ बाहरी उसे रोक लेता है कि अंदर मीटिंग चल रही है तो तुम नहीं जा सकते। अंकल पाओ विलेजर्स की जमीनें फिर खाली कराने के लिए इसकी हेल्प करने को बोलते हैं, पर ये साफ इनकार कर देती है कि मैं खुद ही कर लूंगी हैंडल। पाइलिन से ये सब क्विट करने को कहता है, पर वो ऐसे कैसे कर सकती थी, आखिर को उसकी भी मजबूरी थी। पॉप भी फिर यहाँ पे इन्वेस्टर था तो इसलिए इसके साथ साथ वो भी इधर ही आ गया होता है और इसे अपने साथ ही चलने को बोलता है। पाई को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त लिन को सपोर्ट करे या रोके, आखिर को गांव वाले भी तो उसकी एक फैमिली ही थे। सबको अंकल ने बता दिया था कि लिन मेरी बेटी है, सो उसकी हर लिहाज से हेल्प करना मेरा फर्ज है। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज। अभी तो अंकल ने ये बात उसे किसी को भी ना बताने का कह दिया था। उन्होंने तो ये भी सोच लिया होता है कि पैट के होश में आते ही वो फिर से इसके और लिन के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। लिन जमीने देखने आई होती है। वो तो यहाँ पे उसे इसी बात के लिए वार्न करने लगा था कि प्लीज तुम यहाँ पे ये वाला काम मत स्टार्ट करवाओ, गांव वाले नहीं मानेंगे, वो तुम्हें हरगिज भी अपनी जमीने नहीं देंगे। फिर आगे उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसका भी मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होऊंगा। बॉब ऊपर से आके कहता है कि ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, अभी तो तुम हमें ना ही डराओ और ना ही धमकाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो तो उस पर अच्छा खासा गुस्सा ही करने लगा था। गाड़ी पे लगे पेजेस पे यही लिखा था कि हम कभी भी अपनी जमीनें तुम लोगों को ना दें। ये किया धरा हालांकि अंकल पाओ का ही था कि ये लोग डर के मेरी मदद मांगने आए, और वाकई में ये तो आ ही गए होते हैं। लिन तो इस बात से जरा भी खुश नहीं थी। मॉम ने तो इसे सिल्क ऑफिस बुला के इस सब कुछ समेटने का कह दिया था कि अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगी तो इस सब का क्या फायदा। ये उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लाई थी जो कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। यहाँ पे वो उन्हें बता देती है कि पार्टी वाली रात मैं तुम सब लोगों को अपने बारे में सभी कुछ बताने वाली थी, पर मुझे क्या पता था कि वो सब हो जाएगा। मैं ऐसी लड़की थी कि जो खुद को बिल्कुल लॉनली फील करती थी, पर आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिला और अपनापन महसूस हुआ कि मैं अपने पास्ट को भूल ही गई। मेरा पास्ट छुपाने के पीछे भी रीजन था, वरना मैं ऐसा कभी भी ना करती। अभी वो इनसे बातें कर ही रही होती है कि ऊपर से एक जख्मी एम्प्लॉय आता है कि मुझसे मेरी लैंड लेने के लिए न्यू आने वाले लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा है। ये सुन के तो सभी फिर लिन को मार के भगाने लगते हैं कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम यहाँ से चली जाओ, यही बेहतर होगा। पाई तो फिर भी हर हाल में इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लिन को भी एहसास होने लगा था कि मैंने अपना काम पाओ को सौंप के बड़ी ही गलती कर दी है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।